गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपने पिछले लेक्चर्स में और कुछ लॉज पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें तीन लॉज हम पढ़ चुके हैं, दो लॉज आपके रहते हैं। इट इज नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल, देखो ये क्या कहता है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये 11th क्लास के लिए टॉपिक है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ दियर मासेस इज आइदर द रेशियो विच इज सेम आर सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच द टू एलिमेंट्स कंबाइन इंडिपेंडेंटली। क्या है इसके कहने का मतलब? वेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, देखो मान लो यहाँ पे तीन एलिमेंट हैं आपके, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तीन एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और कार्बन है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, ये दो एलिमेंट हैं विद द फिक्स्ड मास, यहां से थोड़ा आप क्लियर कर लेना, मास मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जैसे ये थर्ड एलिमेंट है कार्बन, कार्बन है आपका थर्ड एलिमेंट ये वाला, इसको चलो वन मान लो, इसको टू मान लो, इसको थ्री मान लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड, कार्बन का एक मास फिक्स्ड है, इसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है। द रेशियो ऑफ दियर मासेस, किसका, इन दोनों का जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, बात हो रही है, द रेशियो ऑफ दियर मासेस इज आइदर द रेशियो विच इज सेम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम रेशियो निकालेंगे जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, वो सेम होगी आर सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो, या तो सेम होगी या उस रेशियो का मल्टीपल होगी जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स इससे कंबाइन हो रहे हैं कार्बन से। इसका कहने का मतलब है, हम थोड़ा सा आपको एग्जांपल से दिखाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन। देखो क्या लिखा है, CHO सिस्टम है ये, कार्बन और हाइड्रोजन जब कंबाइन होंगे तो एक कंपाउंड आपका बनेगा, इट इज मीथेन CH4। कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो बनेगी आपके वाटर, ठीक है। ये कंपाउंड्स आपके बनेंगे इन तीनों के कंबाइन होने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे CH4 में, देखो CH4 में क्या हो रहा है, कार्बन का मास कितना है, कार्बन एक एलिमेंट है यहाँ पे, तो कार्बन का मास हो गया 12, कार्बन कितना हो गया 12, कार्बन एक है इसमें, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 12 और 4, ये बात होगी किसकी, मीथेन की। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन का मास हो गया 12, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे, और ऑक्सीजन का मास हो गया 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे आपके पास दो ऑक्सीजन है तो हो गया 32। तो ये क्या है, ये हैं वो दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12, रेशियो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की निकालनी, यही बात कर रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये फिक्स्ड मास है कार्बन का, जब ये दोनों एलिमेंट कंबाइन होते हैं फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ दियर मासेस, हमने रेशियो इन दोनों का निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमने निकाला 4:32, क्योंकि इसका 4 आया, इसका 32 आया, तो 4:32 1:8 आई इसकी रेशियो। अब ये जो रेशियो आई इसकी बात हो रही थी, द रेशियो ऑफ दियर मासेस इज आइदर द रेशियो, ये वाली जो रेशियो है ये सेम होगी किसके, विच इज सेम आर सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन इंडिपेंडेंटली। इसका भी हमने रेशियो निकाल ली, इसकी भी रेशियो निकाल ली, तो बच गया ये वाटर, इसकी भी हम रेशियो निकालेंगे। तो इसमें जब हम रेशियो निकालेंगे, देखो हाइड्रोजन दो हैं
तो दो हो गया मास इनका, और ऑक्सीजन एक है तो 16 हो गया, तो 1:8 आ गई इसकी रेशियो। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही रेशियो हमने यहाँ भी निकाली और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही रेशियो हमने यहाँ भी निकाली। ये कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। यहाँ CH4 में भी हमने हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो निकाली, और इंडिपेंडेंटली भी जब ये कंबाइन हुए तो भी हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही रेशियो निकाली। तो वो दोनों रेशियोज जो हैं सेम हो सकती हैं। ठीक है, ये बोल रहा है विच इज सेम आर सिंपल होल नंबर मल्टीप्लायर ऑफ द रेशियो इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन इंडिपेंडेंटली, जब वो इंडिपेंडेंटली कंबाइन करेंगे तो ये तो रेशियो सेम आ गई। ठीक है, सेम आ गई। और बोल रहा है या तो ये सेम होगी या होल नंबर मल्टीपल होगी। देखो हम एक और सिस्टम देखते हैं यहाँ पे, ये आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये सल्फर है। ठीक, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे H2S, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे SO2, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे H2O। तो अब देखो हम H2S का किसका देखते हैं, H2S, H2S में हाइड्रोजन 2 हैं और सल्फर 32। ठीक है, हाइड्रोजन हो गए 2 और 32 का हो गया सल्फर का मास। सल्फर डाइऑक्साइड में देखते हैं SO2 में, सल्फर हो गया 32, एक ही है, और ऑक्सीजन हो गए 32। तो फिक्स्ड मास किसका है, सल्फर का, फिक्स्ड मास है सल्फर का, इसलिए रेशियो हमने निकालनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो वो निकलेगी 2:32, ये आएगा आपका 1:16। ठीक, ये निकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जब वो इंडिपेंडेंटली कंबाइन हो रहे हैं, तो ये आई 1:16 की रेशियो आई। ठीक है, जब ये यहां कंबाइन हुए H2S और SO2 में, अब हमने इंडिपेंडेंटली भी देखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो देखी जब ये थर्ड मास के साथ कंबाइन हुए थे सल्फर के साथ, अब हमने देखना है इंडिपेंडेंटली भी, इंडिपेंडेंटली जब ये कंबाइन होते। तो इंडिपेंडेंटली हम वाटर में देखते हैं H2O में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है, तो आएगा 1:8। तो यहाँ ये रेशियो आई 1:8। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं 1:16:1:8, तो ये जो आपकी आएगा 1:16 और 1:8, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे जैसे आएगा ये 1/16 × 8/1, तो ये आपका आएगा 1:2। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो मल्टीपल है उसका ना। आपने क्या बोला, विच इज सेम, या तो सेम होगी या सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगी। ठीक है ना, तो यहां इस केस में ये सेम निकल रही है और इस केस में ये मल्टीपल निकल रही है। तो यही आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, फिफ्थ लॉ है आपका गिवन बाय गे-लुसेक इन 1808। ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है इट वाज गिवन बाय रिचर इन 1792। अब ये आ गया, देखो ये बहुत ही सिंपल लॉ है, ये सिर्फ गैसेस के लिए यहां पे, कि वेन एवर द गैसेस कंबाइन इन एनी केमिकल चेंज दे डू सो इन टर्म्स ऑफ दियर वॉल्यूम विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द गैसेस प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैसेज एंड दियर प्रोडक्ट्स रिमेन कॉन्स्टेंट। कहता है कि जब भी किसी रिएक्शन में गैसेज कंबाइन होती हैं, जैसे इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन हो, दोनों गैसेज हैं और आगे आपका प्रोडक्ट भी गैस बन रहा है HCl। तो ये जब गैस कंबाइन होते हैं, वेन एवर द गैसेज कंबाइन इन एनी केमिकल चेंज दे डू सो इन टर्म्स ऑफ दियर वॉल्यूम, वो कंबाइन होते वॉल्यूम में, जैसे
ऐसे नहीं कि 1 kg इसका, 1 kg इसका, हम 1 लीटर इसका लेंगे, 1 लीटर इसका लेंगे, 2 लीटर इसके बनेंगे, ऐसा कुछ होगा। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वो कंबाइन होते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी मास या नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स, ठीक है। वॉल्यूम्स कंबाइन होते हैं, इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम हम उनको देखते हैं। तो विच बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर, विद ईच अदर, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके पीछे कोई कोफिशियंट नहीं लगा है, 1 है तो यहाँ इसका 1 है, क्लोरीन के पीछे भी कोई कोफिशियंट नहीं है तो ये भी 1 है, यहाँ क्लोरीन के पीछे कोई कोफिशियंट नहीं तो ये भी 1, और यहाँ पे कोफिशियंट है 2 तो ये वॉल्यूम आ गया 2, तो रेशियो आई 1:1:2। सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर, ये आपस में भी रेशियो इनकी सिंपल होगी, एंड विद द गैसेस प्रोडक्ट्स, और गैसेस प्रोडक्ट जो बनेगा उसके साथ भी, तो 1:1 आ गई रिएक्टेंट्स की रेशियो और 2 आ गई प्रोडक्ट, 1:1:2। उस तरह से देखो, ये ऑक्सीजन है और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 लिया, 1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसका कोफिशियंट 1 लगा है, यहाँ पे इसका कोफिशियंट 2 लगा है तो 2, और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 बनी तो रेशियो आई 1:2:2। तो ये रिएक्टेंट्स आपस में भी रेशियो सिंपल करते हैं और प्रोडक्ट्स के साथ भी, तो रेशियो आई 1:2:2, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग प्रोडक्ट्स रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये हो गए आपके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 5 तरह के आपके ये लॉज हो गए। तो 5 लॉज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और एक ऐप है राहुल स्टडी जोन, उस पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप 5ों को देख सकते हैं, इनमें सारे आपको 5 लाज मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।